हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम व्रत स्पेशल रेसिपी बनाने वाले हैं जो झटपट बन जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। तो आप भी इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। तो फिर चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 300 ग्राम धोकर और छील कर कद्दू ले लिए हैं और इन कद्दूओं के थोड़े मोटे पीसेस कर लिए हैं। 7 से 8 हरी इलायची है, थोड़े से काजू हैं, आप कुछ और ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। ये मैंने 100 ग्राम के करीब खोया ले लिया है, ये होममेड खोया है। 750 ml दूध है, आप गाय या भैंस किसी का भी ले सकते हैं। तो फिर चलिए इसे बनाते हैं। मैंने मोटे तले वाली कढ़ाई ले लिया है, कढ़ाई में मैंने 2 टेबल स्पून घी ले लिया है, ये मैंने गाय का घी लिया है। अब हम इसमें कद्दू या पम्पकिन के पीसेस को डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करेंगे। मैंने कद्दूओं को इस तरह पीसेस में काट कर ले लिया है, आप चाहें तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, मगर ऐसे पीसेस में काट कर फ्राई करने से ये अच्छे से फ्राई होते हैं। हम इन कद्दूओं को मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकने तक भूनेंगे, बीच बीच में चम्मच चलाते रहेंगे, नहीं तो ये तली में बैठ जाएंगे और इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। देखिए कद्दू पक गए हैं। अब हम इन कद्दूओं को चम्मच से ही धीरे धीरे मैश करेंगे, फ्लेम को स्लो कर देंगे। आप चाहे तो मैशर का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से मैश करना है, मैंने फ्लेम स्लो ही रखा है अभी। सारे पीसेस को ऐसे ही तोड़ना है, सारे पीसेस अच्छे से क्रश हो गए हैं। देखिए अब हम इसमें खोया मिलाएंगे। खोया को मैंने फ्रीज़र में रखा था इसलिए ये थोड़े हार्ड लग रहे हैं, मगर गर्म होते ही ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं खोया को कद्दू के साथ 1 मिनट भूनूंगी। देखिए अब ये एक साथ जुड़ रहे हैं और इसमें से घी भी अलग होने लग गए हैं। इस स्टेज में मैं इसमें मिल्क ऐड कर दूंगी। सारे मिल्क को एक साथ नहीं डालना है, पहले आधा डालेंगे, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद फिर बाकी के बचे हुए मिल्क को डालेंगे। अब बचे हुए मिल्क को भी ऐड करूंगी। इसमें हम शुगर डाल देंगे। शुगर में मैंने इलायची को डालकर पाउडर बना लिया है, इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब हम इसे 5 मिनट तक अच्छे से चम्मच चलाते हुए पकाएंगे। चम्मच से लगातार स्टर करते रहना है, तली में नहीं लगना चाहिए, नहीं तो पूरा खीर का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। कद्दू की खीर बनाने में बहुत आसान है और इसका टेस्ट भी लाजवाब होता है, इसे ज़रूर अपने घर में एक बार ट्राई कीजिए। हमारी खीर तैयार है, हमें ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। हम इसे और ज़्यादा नहीं पकाएंगे। हमारी कद्दू की या पम्पकिन की खीर बनकर तैयार हो गई है। इस खीर को हम व्रत में भी खा सकते हैं और झटपट बनकर तैयार हो जाती है। इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। एक नए वीडियो में फिर मिलते हैं।